तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं और आपकी रीडिंग क्या कह रही है। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जो कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है और मुझे लगता है कि आपका कहीं ना कहीं एक पास्ट रिलेशनशिप था जो बहुत ही बिटर था। इट मे बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग मैरिड हों और डिवोर्स्ड हों, या फिर आपका एक रिलेशनशिप था जो कि ऑलमोस्ट मैरिज के तरीके से ही था, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप में एक रफनेस आ गई है जो कि आपके रिलेशनशिप में भी नज़र आती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी मून की हो रखी है। और मून की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं खुद को बहुत पीछे रखते हैं। हर चीज़ वो आपके बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं, लेकिन वो कई बार अपनी फीलिंग को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी फीलिंग्स को समझोगे नहीं, आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे। वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे भी आपसे कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ना एक ना उदासी आ गई है, एक बहुत ही डलनेस आ गई है। शायद उनको लगता है कि ये पर्सन मुझे समझ नहीं पा रहा है। ये एनर्जी कैन भी वाइस वर्सा हो सकती है, ये आपको भी फील हो सकती है इस एनर्जी को, पर मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक डलनेस लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को कुछ दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जिनसे भी अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं, या आपके पार्टनर जिनसे भी अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं, वो उनको सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। और वो आपके पार्टनर को एक बहुत ही ड्रीम की तरह रिलेशनशिप चाहिए था, पर आप ये कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, जैसे वो आपको दिलो जान से प्यार करते हैं, ठीक है। और अगर आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं अपना प्यार, उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्यार को बहुत दबा के रखा है। हो सकता है वो उनको डर लगता है आपसे एक्सप्रेस करने में, क्योंकि शायद उन्होंने पहले कभी आपको अपना प्यार एक्सप्रेस किया था, लेकिन आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना बहुत रफ हो जाती है कई बार, ठीक है। आप एम्परर की तरह, स्वॉर्ड की तरह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की तरह रिएक्ट करते हो रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ना सामने वाला अपनी फीलिंग को ना आपसे एक्सप्रेस करने में ना डरता है। आप ये देखो, आपका जो पार्टनर है वो आपसे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल पे, सन मून दोनों लेवल पे आपसे बात करना चाहता है, आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्योस आपने ही क्रिएट किया है। मे बी आपकी ईगो आपके लिए बहुत बड़ी है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है, या फिर आपके लिए सोसाइटी बहुत बड़ी है, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपने ज़रूर अपने पार्टनर से ऐसी कही है जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ लगी है, उन्होंने इंसल्टेड फील किया है। और क्योंकि देखो, आप जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है, जो ये बताता है इक्वालिटी, ओके, बैलेंसिंग इन अ रिलेशनशिप, लिब्रा राशि, ओके, तो कहीं ना कहीं वो इनबैलेंस हुआ है। आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपने उनकी किसी ना किसी बात पे आपने कुछ ऐसा कहा है जो उन्होंने बहुत ही डीपली लिया है। मे बी वो आपको एक्सप्रेस नहीं करती हैं या करते हैं कि जो आपने बात कही है वो उनको किस हद तक बुरी लगी है, लेकिन वो बात उनको बहुत हद तक बुरी लगी है, ठीक है। तो प्लीज़ फाइंड आउट कि आपने ऐसा क्या कहा है, आपके एक्शन से ऐसा क्या फील हुआ है, या आपने उनको इग्नोर किया है काफ़ी लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से आज वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? बिल्कुल वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपसे ना फूल की तरह प्यार करते हैं, इनोसेंटली, मतलब एक बच्चा जैसे होता है जो किसी को स्माइल करने से पहले सोचता नहीं है कि ये बंदा कौन है, कैसा है। उनका प्यार भी आपके लिए वैसे ही मैच्योर है, इसलिए वो आगे पीछे सोचते नहीं हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। और एक चीज़ है लियो कि ये पर्सन आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके लाइफ में ये पार्टनर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और आपने कुछ ऐसा कहा है या ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उनको इतना बुरा लगा, इतने हर्ट हुए हैं वो, तो प्लीज़ उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ले आइए, क्योंकि ऐसे इंसान दुनिया में मिलते नहीं हैं जल्दी। ये बहुत ही रेयर कनेक्शन होता है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, और आप दोनों का जो कनेक्शन है ये स्पेशली आपके पार्टनर की साइड से, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है।
आप कहीं ना कहीं ईगो को ले आते हो, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कुछ चीज़ों को लेकर के, सोसाइटी इमेज और यू नो लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये सब चीज़ों को आप सोचते हो, लेकिन आपका पार्टनर नहीं सोचता, वो सेल्फलेस हो करके आपको प्यार करता है। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। रिलेशनशिप पे फोकस करिए, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करिए अपने पार्टनर को, कम्युनिकेट वेल करिए, अच्छे से कम्युनिकेट करिए, उसकी बातों के रिस्पेक्ट करिए। अगर वो आपसे कुछ भी कह रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट करिए। और मुझे ऐसा लगता है आपका रिलेशनशिप में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप में। चांसेस हैं कि आपके बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन है या फिर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, समझ नहीं रहे हो, वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी और आपके पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, और हो सकता है आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएँ, ठीक है। और मुझे नया रिलेशनशिप तो कम लग रहा है, बट हाँ पुराने रिलेशनशिप को ही एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ये एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। थोड़े से आप कम इगोस्टिक रहें, कम से कम सामने वाले को समझने की कोशिश करें, ठीक है। हर चीज़ दिमाग से नहीं सोची जाती है, हर चीज़ यू नो दुनिया के पैरामीटर्स पे नहीं सोचे जाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो आपको सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी फालतू की बातों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके इमोशनल ड्रामों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके नॉनसेंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दिल और दिमाग दोनों खोल के उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से शेप लेने वाला है। आप एक दूसरे को ज़्यादा बैलेंस करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ज़्यादा इक्वालिटी का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, और हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाकर के शादी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मुझे आपका पार्टनर आपके पास लाइफ से आया हुआ लग रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ सोचता है। और अगर सपोज अगर आपकी ये रीडिंग कनेक्ट नहीं कर रही है या आप अपने पार्टनर से ये चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए राइट पर्सन नहीं हो। आप कोशिश करें, अगर कोई इंसान आपसे इस हद तक प्यार करता है वो शायद आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी और मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे लगे। मेरे लिए, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत लकी हैं कि कुछ लोग आपसे इतना बेइंतहा प्यार करते हैं। प्लीज़ डू रिस्पेक्ट देयर लव, और हर चीज़ को जज मत करिए। कुछ चीज़ें जज करने के ऊपर होती हैं और हर चीज़ को आप नहीं नाप सकते हैं, हर चीज़ को नहीं तोल सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करिए उन चीज़ों को और अपने रिलेशनशिप को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए। सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप और अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराइए, कोशिश करिए कि उसने जो अपने दिल के ब्लॉकेजेस कर रखे हैं, जो अपने दिल में बातों को छुपा रखा है, वो उसको खोल के आपको बता सके, ठीक है। उसको उतना कंफर्टेबल फील कराइए। हर टाइम पे एम्परर की एनर्जी लेकर के रखने की क्या ज़रूरत है, हर टाइम यू नो ज़रूरी नहीं है आपको कमांडर की तरह रहना, हर टाइम ज़रूरी नहीं है आप कोई फायरी एनर्जी रहना। सॉफ्ट एनर्जी की तरह बात करें आप, कुछ अच्छी बातें करें जो उसको अच्छा लगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, या फिर इल्यूशन से रिलेटेड बातें करेगा, ऐसा ऐसा ड्रीम्स की बातें। सुन लो उसकी बात, उसको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। सो ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है,